हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थाईलैंड के बारे में। अगर आप थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हैं और आपका पर्पज़ है वहां की नाइट लाइफ को एंजॉय करना, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो गाइस, हर देश का अपना कानून होता है, हर देश की अपनी कल्चर होती है। अगर हम बात करें थाईलैंड की, तो वहाँ पर काफ़ी कुछ अलग है। वहाँ की जो नाइट लाइफ है वो पूरी तरह से अलग है। हर साल बहुत बड़ी संख्या में इंडियंस थाईलैंड में जाते हैं, बैंकॉक, पटाया या फिर दूसरी कोई भी जगह हो थाईलैंड की, तो वहाँ की नाइट लाइफ को एंजॉय करने जाते हैं। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर हम बैंकॉक या किसी भी सिटी में अगर हम थाईलैंड की जाते हैं, तो क्या वहाँ पर हम अपनी लेडी पार्टनर को लेकर जा सकते हैं। क्योंकि जो लोग ऑलरेडी वहाँ पर जा चुके हैं उन्हें इस सब बारे में पता होता है, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं तो उनके मन में कई तरह के डाउट होते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो गाइज, अगर आप भी बैंकॉक की या पटाया या किसी भी शहर की थाईलैंड के नाइट लाइफ को एंजॉय करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने जिस भी होटल में आप वहां पर ठहरे हुए हैं, तो वहां पर आप अपने लेडी पार्टनर को लेकर जा सकते हैं या नहीं। लेडी पार्टनर से मेरा मतलब है जो भी वहां पर आप फ्रीलांसर हायर करते हैं अपनी नाइट के लिए, क्या आप उसे अपने होटल में लेकर जा सकते हैं या नहीं। तो गाइज, इसका सबसे पहला सीधा सा आंसर है हाँ, आप बिल्कुल लेकर जा सकते हैं। ये पूरी तरह से सेफ है और वहाँ के जितने भी होटल्स हैं वहाँ पर ये सब अलाउड होता है, तो वहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ के जितने भी अच्छे होटल्स हैं, वहाँ पर जब भी आप अपने किसी लेडी पार्टनर को लेकर जाते हैं, तो वहाँ के रिसेप्शन पर उसका जो आईडी प्रूफ है वो वहाँ पर सबमिट करा लिया जाता है। तो उसके बाद में आपके साथ उसकी रूम में एंट्री होती है और जब आप नाइट उसके साथ स्पेंड करते हैं, तो अगले दिन जैसे ही वो फ्रीलांसर आपके रूम से बाहर आती है, तो रिसेप्शन पर उसे रोक लिया जाता है। उससे पहले आपके पास एक कॉल जाता है, आपसे पूछा जाता है कि सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आप सब कुछ ओके कर देते हैं, तो उसके बाद उस फ्रीलांसर जो लड़की होती है उसे होटल से बाहर जाने दिया जाता है और उसका आईडी प्रूफ दे दिया जाता है। ऐसा सेफ्टी के पर्पज से किया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसी इंसिडेंट्स हो चुकी हैं कि वहां पर कई फ्रीलांसर लोगों को अपना शिकार भी बना चुकी हैं, कई लोगों से लूटपाट भी हो चुकी है। तो हालांकि जो लेडीज हैं वो इस तरह के काम कम करती हैं, लेकिन जो लेडी बॉय होते हैं वो इस तरह की जो घटनाएं हैं उनमें लिप्त होते हैं, तो कई बार वहां पर वो मारपीट तक कर देते हैं क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। तो ऐसे में ये सबसे अच्छा है कि अगर आप अपने होटल में उसका आईडी प्रूफ जमा करा लेते हैं तो आप सेफ रहेंगे। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो गाइज, वहाँ पर बैंकॉक, पटाया या थाईलैंड के किसी भी सिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आसानी से एंजॉय कर सकते हैं और अपने साथ में अपना कोई भी लेडी पार्टनर लेकर जा सकते हैं, चाहे आप उसे कहीं से भी लेकर जा रहे हों, चाहे तो आप उसे किसी क्लब से लेकर जाएं, या फिर आप किसी भी फ्रीलांसर को हायर करें, या फिर आपकी कोई फ्रेंड है, चाहे जो भी हो आप आसानी से लेकर जा सकते हैं। तो वहाँ के सभी होटल्स में फीमेल पार्टनर को लाना अलाउड होता है। तो आप जिस भी होटल में ठहरे हुए हैं वहाँ पर भी आप एक बार पता कर सकते हैं। अगर आपका होटल छोटा है तो वहाँ पर एक बार आप कंफर्म कर सकते हैं। तो गाइज, ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपने समय निकाला, उसके लिए आपका शुक्रिया। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।